नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। CGL 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक टारगेट सीरीज चालू करी थी जिसका आज 50th डे है। 50 दिन तक आप सभी लोगों ने तबीयत से मेहनत करी और पढ़ाई करी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम टारगेट नोट करते हैं। दोस्तों हमारा अर्थमेटिक कम्प्लीट होने वाला है। स्पीड टाइम डिस्टेंस लास्ट टॉपिक चल रहा था, कल से हमें प्रॉपर कल का दिन और ले लो, उसके बाद परसों से फिर हम एडवांस मैच चालू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले टारगेट्स नोट करते हैं। सबसे पहले उठते से आप जो काम करते हो वो कैलकुलेशन का करते हो, जिसमें आप 15 एडिशन करते हो, 15 मल्टीप्लिकेशन करते हो, स्क्वायर लिखते हो 1 से 60 तक, क्यूब लिखते हो 1 से 30 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखते हो और पाइथागोरस सिप्रेट लिखते हो। इतना काम आपको किसी भी हालत पर करना है और ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर भी मिल जाएगी और मेरा इंस्टाग्राम जो है मानस गुप्ता 616 उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फॉलो रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनल, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों वोकैब की, तो वोकैब आपको करना है 500 से लेकर 550 तक की वोकैब। किरण पिनाकल दो किताबें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, एंटो सिनो ईडियम वन वर्ड स्पेलिंग, ये 5 चीज़ें, ठीक है। आगे बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज दोस्तों, तो मैथ्स में आपको पता ही है स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने कल पवन राव सर का चालू करा था, आज उसका सेकंड डे है। उसके क्वेश्चन लगाना चालू कर दें और उसको पूरा देख के जल्दी से ख़त्म कर दें। 10 लेक्चर है पवन राव सर के, कल शायद आपने 2-3 लेक्चर देखे होंगे, आज फिर 2-3 लेक्चर देखें और कल 2-3 लेक्चर देख के उसको समाप्त कर दें। ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़रूर करें, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों इंग्लिश की, तो रीडिंग कंपलसरी, आपको पता है किसी भी हालत में आपको रीडिंग करना ही है, प्लस उसके साथ में रीडिंग के अलावा क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है 53, 54, 55 और 56, ये 4। और आपको जो एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप करना है वो करना है आज 240 से लेकर 270 तक के, ठीक है। आगे अगर बात करूँ दोस्तों जीके की, तो स्टैटिक में हमने कल टॉपिक करा था प्लैनेट्स, ठीक है। अब आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना एक पूरी लिस्ट डाल रहा हूँ, वो सारे टॉपिक्स एक एक करके करना चालू करना है कल से, है ना। आज स्टैटिक रिवाइज कर लो, क्विजेज आप डेली दे ही रहे होगे, केमिस्ट्री के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है उसे देखो, बाकी आप क्विजेज डेली दे ही रहे होगे। मुझे लगता है 8 क्विज मैंने देने को बोली है, 8 से 10 क्विज जो नहीं दे रहा होगा ना उसे बहुत घाटा होगा। CGL 2022 के रिजल्ट में आप लोगों ने देख ही लिया कि जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, गलती से भी उसे इग्नोर मत कर देना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन एक सेट किसी भी शिफ्ट का लगाना ही है डेली, 25 से 50 क्वेश्चन हमको डेली प्रैक्टिस करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था आज का टारगेट जो आपको फॉलो करना है। कंप्यूटर चालू करने वाला हूँ मैं थोड़े टाइम में, क्योंकि कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप सबने देखा है कि उसकी वजह से कितने बच्चे अभी CGL 2022 में बाहर हुए हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर को भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको सिर्फ जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी, है ना। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।